हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित मिश्रा है और डीएसपी के पाठशाला में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा अटैक हुआ है। वर्ल्ड की सबसे बड़ा रिपब्लिक नेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट और जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हैं जो बाइडेन के, उनके ऊपर अटैक हुआ है। वो स्पीच दे रहे थे एक रैली में और वहाँ पर उनके ऊपर ये अटैक हुआ है। अभी वो सुरक्षित है, उनके राइट ईयर पे गोली लगी गई है। देखिए, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि वो यूएस जो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाता है, सर्टिफिकेट बांटता फिरता है कि आप रिलीजियसली बायस्ड हो, आपके देश में करप्शन, वायलेंस ये सब हो रहा है, जो चाइना को बोलता है कि आप डेमोक्रेटिक नहीं हो, वो इंडिया को बोलता है कि आप रिलीजन धर्म पे बायस हो, यूएस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिबेट हो रही है कि इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं है, इंडिया पे वायलेंस हो रहा है रिलीजन बेसिस में, उस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है। देखिए, ये न्यूज़ बहुत लंबे टाइम तक जाने वाली है और ये एक हिस्टोरिकल न्यूज़ है। ये मतलब चंबल में अटैक नहीं हुआ है, मतलब हमारे यूपी में अटैक नहीं हुआ है, या चंबल घाटी में, या फिर भिंड मुरैना में अटैक नहीं हुआ है, ये यूएस में अटैक हुआ है और यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है, इलेक्शन के टाइम पर अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद इस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर करा है, सीएनएन ने, सारी न्यूज़ एजेंसी ने कवर करा हुआ है। और इस न्यूज़ के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और पूरे ट्विटर में यही ट्रेंड चल रहा है कि माय सपोर्ट फॉर ट्रंप इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर, ये सपोर्ट कर रहा है। 84 मिलियन व्यूज़ गए हैं, 84 मिलियन, जो मतलब तो बढ़ गए हैं, एलॉन मस्क ने फोटो डाली हुई है, 84 मिलियन व्यूज़ गए हुए हैं। और अब मतलब जैसे ही ये स्पीच ख़त्म हुई थी ना उनकी, मतलब जैसे ही उन पर अटैक हुआ था, वैसे ही वहाँ पे जो लोग थे, मेंस थे, उन्होंने शाउट करा था कि दे वोंट टेक यू डाउन, मतलब ये लोग आपको झुका नहीं सकते हैं। और जैसे ही ये अटैक भी हुआ था ना, मतलब सब लोग सोचते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बड़बोले हैं बस, मगर पता है अभी इस टाइम पर जैसे ही उन पर गोली लगी, वैसे ही वो झुके नहीं और भागे नहीं हुए वहाँ से, और मतलब वो वापस खड़े हुए, डोनाल्ड ट्रंप वापस खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मैं रुकूंगा नहीं, तो मुझे रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके स्टेटमेंट उन्होंने दिए पूरे वर्ल्ड के सामने। डोनाल्ड ट्रंप पर जो अटैक हुआ ना, जो असासिनेशन की जो कोशिश करी गई है, ये एक प्रिडिक्टेबल था, मतलब बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने ऐसे प्रिडिक्ट कर लिया था कि हाँ ये हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को झुकाने के लिए और बर्बाद करने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म लगाए गए, बहुत सारे आरोप लगाए गए उन पर। आपने जब इलेक्शन देखा होगा, प्रीवियस इलेक्शन, उस टाइम बहुत आरोप लगाए गए, प्रोटेस्ट हुआ उनको दबाने के लिए, पर वो हर क्रिटिसिज्म से ऊपर गए और वो फेमस होते गए। इम्पीचमेंट करा गया उनका, अभी रिसेंटली बहुत सारे इंडिक्टमेंट, बहुत सारे केसेस लगाए गए उनके ऊपर, पर उसके बाद भी उन्हें कोई दबा नहीं पाया, वो झुके नहीं, और उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है ना, वो बढ़ता ही गया। अब उनको दबाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जो उनका पोजीशन था वो था अटैक करना। तो ये एक बहुत प्रेडिक्टेबल मूव था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से डील करा। देखिए, ये जो बात है ना, मगर इसके अगेंस्ट मेरी एक थ्योरी है। ये पूरे ट्विटर में ये फोटो ट्रेंड हो रही है, आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है ना गन लिया, ये स्नाइपर है, और ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप है और ये स्नाइपर है। ये स्नाइपर डोनाल्ड ट्रंप का स्नाइपर है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को सेव करने के लिए एक गनमैन वहाँ पे, एक स्नाइपर था। ये स्नाइपर जहाँ देख रहा है ना, वहाँ पे शूटर था, मतलब जो किलर था, जो असैसिनेट करने आया था, वो वहाँ पे था, ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर ने उस किलर को पहले देख लिया था, पर इस स्नाइपर ने उस किलर को मारा नहीं। उस किलर ने जब गोली मार दी, तब इस स्नाइपर ने उसे मारा, समझ रहे हो। तो ये एक मतलब एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है। जनरली ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो एक सिंपैथी पाने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। ये स्नाइपर डोनाल्ड ट्रंप का स्नाइपर था, तो मतलब एक थ्योरी बन सकती है इसके ऊपर। अभी तो कोई प्रूफ आया नहीं है, पर एक रह सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर इलेक्शन वो हुआ है, अटैक हुआ है। ये कोई चंबल नहीं है ना कि ऐसे कोई भी आके असैसिनेट आ जाए और अटैक कर दे। तो इसलिए ये थ्योरी एक बढ़ती है थ्योरी है, ठीक है। और पिक्चर भी बाकी है, इसके बारे में हम आगे कवर करते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।